दिल्ली नगर निगम के पार्षदों के संभवतः अच्छे दिन आ गए हैं। दिल्ली नगर निगम की सदन की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है कि सदन की बैठक अटेंड करने के लिए पार्षदों को मिलने वाला भत्ता 300 रुपए प्रति बैठक से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति बैठक कर दिया जाए। 300 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति बैठक कर दिया जाए। दिल्ली नगर निगम में नियम के मुताबिक हर महीने कम से कम एक बैठक करनी जरूरी होती है, यानी कि पार्षदों के कम से कम महीने में 25,000 रुपए मीटिंग करने के नाम पर ये पक्के मानिए। और प्रस्ताव में ये भी पास हुआ है कि किसी भी महीने में ये जो राशि है 1,00,000 रुपए से ऊपर जो बैठक करने की राशि है वो 1,00,000 रुपए से ऊपर नहीं जा सकती, यानी कि आप नगर निगम की सदन की कितनी भी बैठक कर लीजिए, ये 1,00,000 रुपए से ऊपर पार्षदों को बैठक करने के नाम पर भत्ता नहीं मिल सकता। ये सबसे पहले तो डीएमसी एक्ट के अकॉर्डिंगली हम लोग किसी भी पार्षद की सैलरी नहीं दे सकते हैं। सैलरी वर्ड हमारा यहाँ यूज करना ही मुझे लगता है उचित नहीं है। अलाउंस दिया जाता था जो 300 रुपये पर विजिट कोई मीटिंग का मिलता था, और हमेशा से ही पार्षदों को इस अपने ऑफिस के खर्चे को, अपने ऑफिस में रखे हुए स्टाफ के खर्चे को लेकर, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को लेकर या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो उन्हीं दिक्कतों को देखते हुए 250 के 250 जितने भी पार्षद हैं, हमने उनके लिए ये आज प्रस्ताव लाए हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, कि जितने भी पार्षद हैं उनमें किसी भी तरह का फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े और उनका सारा जो पूरा ध्यान है दिल्ली की जनता में और अपने लोकल पब्लिक की जनता में, जनता की सेवा में लगा रहे। अब दो तीन बातें समझनी और जाननी जरूरी है। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के मुताबिक पार्षदों को सैलरी नहीं दी जा सकती है, तो उनको बैठक करने के नाम पर ही भत्ता दिया जाता है। जो भी 300 रुपए है इसी को 25,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। और सोच के देखिए कि 300 रुपए अगर बैठक होती है, प्रति बैठक 300 रुपए मिल रहे हैं पार्षद को, तो वो कैसे अपना काम करता होगा? तो माना ही जाता है कि फिर वो करप्शन में इन्वॉल्व होता है, और वो करप्शन में इन्वॉल्व ना हो इसलिए उसको आर्थिक रूप से थोड़ा स्थिर करने की एक कोशिश की जा रही है। और उसी सोच के तहत ये सब काम किया गया है कि प्रति बैठक 25,000 रुपए पार्षद को दिए जाएं और महीने में 1,00,000 रुपए तक जो है पार्षद को दिए जा सकते हैं। लेकिन अभी ये जो प्रस्ताव है ये केवल नगर निगम के सदन से पास हुआ है, इसके बाद ये दिल्ली सरकार के पास जाएगा। दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी ही है तो वो तो इसको अप्रूव हम मान के चलें कि कर देगी, लेकिन इसके बाद जब आगे ये LG के जरिए केंद्र सरकार के पास जाएगा तब क्या ये पास हो पाएगा, इसको लेकर सवाल है। क्योंकि आपको याद होगा कि 2015 में जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी तो उन्होंने भी जो विधायकों की सैलरी थी वो बढ़ाई थी, और वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई गई थी, और ये दलील दी गई थी कि जो विधायक हैं उनको आर्थिक रूप से जो है मजबूत करने की कोशिश है ताकि वो भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व ना हो। तो उसी एक सोच के तहत ये भी जो कदम है MCD में आज उठाया गया है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में ये प्रस्ताव भेजा था तो 2015 में प्रस्ताव भेजा था, और 2022 यानी कि 7 साल लगभग समय लग गया था, और जो प्रस्ताव भेजा गया था विधानसभा से उतनी सैलरी अप्रूव नहीं की गई थी विधायकों की। बहुत लंबी प्रक्रिया भी चली तब भी वो सैलरी अप्रूव नहीं हुई जो विधानसभा से पास हुई थी। काफ़ी कम सैलरी जो है वो अप्रूव केंद्र सरकार ने करी थी। तो अब ये देखना होगा कि जो MCD में प्रस्ताव पास हुआ है 300 रुपये प्रति बैठक से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का, क्या ये पास हो पाता है या नहीं। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।